श्री राधे श्याम, प्रेम से कहिए श्री एकादशी महारानी की जय। सेवा करने वाले वैष्णव जनों का भाव है कि एकादशी व्रत के विषय में और एकादशी महिमा के विषय में निरंतर भक्तों की जिज्ञासा बनी रहती है। जो पुराने भक्तगण हैं वो तो निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन हर कथा में नए लोग एकादशी व्रत प्रारंभ करते हैं तो वो एकादशी व्रत कैसे करना है और क्या उसके नियम हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि निरंतर कथा का भी प्रसारण होता रहता है और शायद प्रतिदिन ही सुन करके 10-20-30 लोग एकादशी व्रत का संकल्प ले लेते हैं। प्रत्येक एकादशी को शायद 100 लोग बढ़ जाते हैं एकादशी व्रत करने वाले। तो जो पुराने भक्त कर रहे हैं उनको तो सब जानकारी रहती है, लेकिन जो नए भक्त जुड़ते हैं तो उनको उतना जानकारी नहीं रहती एकादशी व्रत कैसे करना है, क्या नियम है। तो सेवा करने वाले वैष्णवों का ये आग्रह भी है, सुझाव भी है कि प्रत्येक एकादशी को एक संदेश उसी एकादशी से संबंधित सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर चला जाए। उससे जो आगे आने वाली एकादशी हैं निकट की, उनकी महिमा का भी ज्ञान हो जाएगा और जो नए भक्त हैं जिन्होंने प्रारंभ किया है अभी एकादशी व्रत, उनको चेतना भी मिलेगी और वो और सुदृढ़ रूप से, मजबूत रूप से एकादशी व्रत रखेंगे। तो इस क्रम को प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है और यह क्रम वैशाख मास से प्रारंभ हो रहा है। वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं और अब आगामी 4 मई को शनिवार को वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी हैं जिनका नाम है वरूथिनी एकादशी। सभी एकादशी की अनंत महिमा है। एकादशी की महिमा हम सुनते ही हैं कि भगवान के ही श्रीअंग से उनका प्रादुर्भाव है और यह एकादशी व्रत भगवान का ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं तिथियों में मैं एकादशी हूँ और यह एकादशी तिथि जीव के समस्त पापों का क्षय करने वाली हैं और भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली हैं, भगवान का धाम प्रदान करने वाली हैं। और इन व्रत की जो महिमा है, और सब व्रतों की महिमा और सब ने गाई है, लेकिन एकादशी व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने गाई है पांडवों के साथ में। पांडवों में भी मुख्य रूप से युधिष्ठिर महाराज के साथ में श्री कृष्ण का संवाद हो रहा है और महाराज युधिष्ठिर एक एक एकादशी का महात्मा, एक एक एकादशी की महिमा श्री कृष्ण से पूछते हैं और उस एकादशी का महात्म और उस एकादशी से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथाएं हैं, कौन एकादशी को करने से किस राजा को, किस भक्त को क्या कृपा मिली, उसका वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने किया है। तो ये जो वैशाख मास की वरूथनी एकादशी हैं, इनकी बड़ी भारी महिमा है। इनके लिए लिखा है कि ये वरूथनी एकादशी का जो व्रत है और इस व्रत की जो महिमा है वो कोई 10,000 वर्ष तक कठिन तप करे। सोचिए, इस समय तो आदमी की 100 वर्ष की भी आयु नहीं है, लेकिन कोई 10,000 वर्ष तक कठिन तप करे उसका जो फल है, उसकी जो महिमा है, वह मात्र इन वरूथनी एकादशी व्रत को रखने की महिमा के बराबर है। इतना बड़ा कोई तप करे। जो नए भक्त हैं वे पूछते हैं, यहाँ फ़ोन भी आता है संस्था पर कि एकादशी व्रत रखने की विधि क्या है, तो उसका भी वर्णन कर रहे हैं, संपूर्ण विधि बता रहे हैं। इसमें जिससे जितना पालन हो, मुख्य तो इतना ही है कि कम से कम एकादशी को अन्न न लें। किसी से बिल्कुल निर्वाह नहीं हो रहा तो कम से कम इतना ले, इतना नियम ग्रहण करे कि एकादशी के दिन किसी भी रूप में मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। बोले प्रसाद ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। अरे वैष्णव तो सदा प्रसाद ही ग्रहण करते हैं,
तो अगर शास्त्र में अन्न निषेध किया गया है तो अन्न रूप में प्रसाद का ही निषेध किया गया होगा। वैष्णव तो सदैव प्रसाद लेते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रसाद की मनाही नहीं है। इसलिए किसी भी रूप में अन्न ग्रहण न करे। उस दिन अन्न प्रसाद कहीं से मिलता भी है तो उनका प्रणाम करके सम्मान करें। तो एकादशी व्रत की जो पूरी विधि है उसको बता देते हैं, जिससे जितना पालन हो सके उतना करें। तो पहली बात तो यह है कि एकादशी के पहले दिन, माने 4 मई को एकादशी है, तो 3 मई की रात्रि में या तो प्रसाद ग्रहण न करें या हल्का आहार ले और समय से प्रसाद ग्रहण कर ले। और रात्रि में, एकादशी के पहले दिन रात्रि में चावल प्रसाद, महाप्रसाद ग्रहण न करे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए। प्रतिदिन ही उठे पर एकादशी व्रत का पालन कर रहा है तो सूर्योदय से पहले उठ करके शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और मन ही मन व्रत का संकल्प करे। और स्नान आदि करके वैष्णव जन अपना भजन करते हैं तो पहले भजन करते हैं तो स्नान करके पहले भजन कर लें, और ठाकुर जी से की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी की सेवा कर लें। जो अखंड नाम की सेवा में जाते हैं वो सर्वोपरि अखंड नाम की सेवा में जाएं। तो स्नान करके सबसे पहले या तो अपना भजन कर ले, और अगर ठाकुर सेवा पहले करते हैं तो फिर अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की विधिवत सेवा करें। भक्तजन चाहें तो एकादशी के दिन अपने घर पर अखंड दीप भी जोड़ सकते हैं। अखंड दीप जोड़ने की भी महिमा है, अखंड दीप भी जोड़ सकते हैं। और ठाकुर जी सेवा करने के पश्चात में तुलसी जी का पूजन करें, प्रतिदिन ही करना चाहिए लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी जी का पूजन करें। और फिर दिन में अगर निर्जल निराहार रह सकते हैं तो बहुत अच्छा। जो निर्जल निराहार रह करके एकादशी व्रत करे, निर्जल निराहार नहीं रह सकते तो निराहार रह करके जल आदि लेता रहे। जल से न बने तो दूध आदि ग्रहण करे, उससे भी न बने तो फल आदि भी साथ में ग्रहण कर ले, नहीं तो फिर जो फलाहार में कुटू सामक सिंगाड़ी इत्यादि ग्रहण करते हैं वह ले ले। पर मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा, मैं निभा नहीं पाऊंगा, ये सोच करके भोजन करने ना बैठ जाए। फिर भले दिन में 2-3 बार भी फलाहार लेना हो तो ले ले, पर किसी प्रकार अन्न प्रसाद ग्रहण न करे। तो इस प्रकार व्रत का निर्वाह करे। साथ में हरिनाम संकीर्तन एकादशी की सबसे बड़ी विधि है। व्रत की कथा पढ़ने का प्रचलन नहीं है, अब तो वैष्णवों का आग्रह है तो जो वैष्णवी कथाएं हैं उसको प्रत्येक एकादशी पर भेज दिया जाया करेगा, पर वह अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है हरिनाम संकीर्तन। तो अपने यहाँ के जो वैष्णव हैं, सब वैष्णवों को आग्रह है ही कि भजनिताई गो राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम इन उपदेश मंत्र का कीर्तन करें। तो आपके आसपास कहीं अखंड नाम होता है तो वहाँ जाएं, नहीं तो अपने घर पर बैठ करके ही फिर स्वयं ही एकादशी को हरिनाम संकीर्तन अवश्य करें। और इसके साथ में रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है एकादशी में। तो अगर निभ जाए, अब कोई पूरी रात्रि निभा सकता है तो उसको तो कोटि बार प्रणाम है, पर फिर पूरी रात्रि नहीं तो अपने सोने के समय को 1-2 घंटा कम करे। मानिए 10 बजे सोते हैं तो प्रयास करें आज 12 बजे सोएंगे, आज 12 बजे तक बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करेंगे अथवा जप करेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है। पूरी रात्रि नहीं तो चलो कम से कम 12 बजे तक जाग करके या तो जप करेंगे श्री महामंत्र का अथवा उपदेश मंत्र का कीर्तन करेंगे, तो इतना कर ले। फिर अगले दिन द्वादशी में पारण करें। इस बार जो एकादशी का पारण है वो सूर्य उदय से लेकर के लगभग 9:30 बजे तक का है, 9:25 तक का पारण है। सूर्योदय सब जगह अलग अलग होता है, तो अपने यहाँ जो समय दे दिया जाता है सूर्योदय का वो वृंदावन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे वृंदावन में सूर्योदय लगभग 6:45 बजे का है, तो
प्राय सब जगह इसके पहले सूर्य उदय हो ही जाता है, इसलिए वृंदावन का जो सूर्य उदय का समय है वो लगभग सबसे आखिर का ही होता है। जैसे कलकत्ता में सूर्य उदय का समय 5 बजे का है 5 मई को, लेकिन वृंदावन में 5:45 बजे का है, लेकिन जो पूर्ति है वो 9:25 तक है। तो अपने यहाँ के सूर्य उदय का समय देख ले और फिर सवेरे दिन में 9:25 के पहले तक पारण कर ले। जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद से पारण करना है तो उससे पारण करके फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करे। और जो लोग भोजन कराने के विषय में पूछते हैं, तो कोई इस नियम को निभा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, आप इसको निभाएं। यदि कोई ब्राह्मण मिल जाते हैं तो द्वादशी के दिन किसी एक ब्राह्मण को अथवा किसी एक वैष्णव को भोजन प्रसाद करा दें और उनको कराने के बाद में खुद प्रसाद ग्रहण करें। अगर ऐसा निभता है तो कराएं, अथवा गोमाता को पवा दें और मंदिर में भेज दें। यदि करते हैं तो इसका विरोध नहीं है, पर यह अनिवार्य भी नहीं है। करते हैं तो बहुत अच्छा है, करें, नहीं हो पा रहा है तो भी परेशान ना हो इस बात को लेकर के। मुख्य बात इतनी है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करें और एकादशी के दिन और दिन से बढ़कर हरिनाम करें। इन वरुथनी एकादशी की कथा भी पुराणों में बहुत सुंदर रूप में उल्लेख है। बोले प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो बड़े दानशील थे, तपस्वी थे। वे जंगल में तप कर रहे थे और तप करते करते वो ऐसे लीन हो गए भगवान की भक्ति में कि उनको सुध-बुध नहीं रही। और तभी जंगल में एक जंगली भालू आ गया और राजा ने नियम ले रखा था कि अब हिंसा नहीं करूंगा और भजन में कितना भी विक्षेप बाहर से आए मैं उठूंगा नहीं, अपना नाम जप नहीं छोड़ूंगा, अपना मंत्र जप नहीं छोड़ूंगा। तो जंगल में बैठ करके वो जप करने लगे, तपस्या करने लगे। उसी समय एक जंगली भालू आया और वह भालू राजा के पैर को चबाने लग गया। लेकिन धन्य है राजा भजन में बैठे रहे और वह भालू पैर चबाते चबाते राजा को घसीट कर घोर जंगल में ले गया। लेकिन उस राजा ने सामर्थ्य होते हुए भी, वो राजा प्रतिकार कर सकता था लेकिन क्रोध का त्याग कर दिया है, हिंसा का त्याग कर दिया है, तो वे कोई आघात नहीं करते उस भालू के ऊपर, क्रोध नहीं करते, हिंसा नहीं करते, बस श्री हरि से प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरा भजन निपटा रहे, यानी कितनी कठिन परिस्थिति में भी मेरा भजन निपटा रहे। और उस समय अंततः तो ऐसा लगा कि वो भालू मार ही डालेगा राजा को। तब उन्होंने बस करुण भाव से भगवान को ही पुकारा, माने जो नाम जप कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे, करुण पुकार से उस नाम को पुकारने लगे। इतना कहते ही मानो वो उस दिन राजा की परीक्षा थी। उसी समय श्री हरि प्रकट हो, जिस भी नियम निष्ठा का पालन करेंगे उसकी एक दिन परीक्षा होगी। तो भगवान प्रकट हो गए और कथा में लिखा है कि उस वन्य जीव को, उस भालू को मार डाला। और जब तक भगवान प्रकट हुए मारा, तब तक एक पैर तो वो खा चुका था भालू। तो राजा अपंग तो हो ही गए थे, पीड़ा भी थी शरीर को, लेकिन उस समय भगवान ने उस राजा को कहा कि तुम दुख मत पाओ, तुम यहाँ जंगल में तप मत करो। तो भगवान ने राजा से कहा तुम मथुरा चले जाओ और वहां पर जाकर के वैशाख के कृष्ण मास की वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह स्वरूप की पूजा करो, मेरी वराह मूर्ति की पूजा करो। इससे तुमको दोबारा से सुदृढ़ अंग प्राप्त हो जाएंगे, भालू ने जो तुम्हारे शरीर पर नुकसान पहुंचाया है वह सब दूर हो जाएगा और ये भी तुमको जो कष्ट मिला है भजन करते हुए, ये तुम्हारे किसी पूर्व जन्म का ही अपराध है। इस वन पशु के द्वारा तुमको मारा जाना था आज, लेकिन तुम भजन में बैठे थे तो केवल तुम्हारे पैर को कष्ट हुआ लेकिन तुम्हारे प्राण नहीं गए। अब जो तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था, जो इस जन्म में भजन साधना में तुमको रोक रहा था, तुमने उसको परास्त कर दिया। अब तुम मथुरा में जा करके मेरी वराह मूर्ति की पूजा करके और तुम एक वरुथनी एकादशी व्रत का विशेष रूप से पालन करो तो उस दिन तुम्हारी जो मनोवांछा है वो पूर्ण हो जाएगी। तब वो राजा मथुरा आए, मथुरा में यमुना जी में उन्होंने स्नान किया और वरुथनी एकादशी का उन्होंने बहुत श्रद्धापूर्वक व्रत किया। रात्रि भर जागे हैं
और रात्रि भर जाग करके श्री हरि नाम का संकीर्तन किया है और जैसे ही सवेरा हुआ है तो राजा का वो केवल पैर ठीक नहीं हो गया, राजा को दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, सिद्ध देह प्राप्त हो गई और जो उनकी भगवान नारायण की उपासना थी उसके अनुरूप उनको संपूर्ण अंग प्राप्त हो गए और पार्षद देह से उनको श्री वैकुंठ धाम में भगवान की प्राप्ति हो गई। तो यह वरूथनी एकादशी की विशेष महिमा हो गई, माने सब एकादशी की अपनी अपनी महिमा है, पर ये जो वरूथनी एकादशी हैं इनके लिए वर्णन है कि हम सब जीवों के द्वारा पूर्व जन्मों में इस जन्म में कौन कौन अपराध हुए हैं, तो ये एकादशी विशेष रूप से अपराध का मार्जन करने वाली है, जो अपराध भजन में रुकावट पैदा करते हैं उनका नाश करने वाली है। जिसको भय बहुत लगता है, भय से पीड़ित होता है, तो यह एकादशी व्रत उस भय का निवारण करने वाला है और सिद्ध देह को पुष्ट करने वाला है। हम सब चाहते हैं हमको सिद्ध देह से भगवान की सेवा सुख की प्राप्ति हो, तो यह वरूथनी एकादशी सिद्ध देह को, दिव्य देह को प्रदान करने वाली है। और महात्म्य में तो ये भी लिखा है जो सकाम भाव से एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वैष्णवों के तो हर एकादशी व्रत का फल राधा गोविंद की प्रसन्नता और उनके प्रेम की प्राप्ति है, पर जो सकाम भाव से भी एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए लिखा है, जैसा भी पूर्व में कहा कि 10,000 वर्ष तक कोई तप करे उसका जो फल है वो वरूथनी एकादशी के व्रत के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह वरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हाथी का दान, घोड़े का दान, भूमि का दान, तिल का दान, स्वर्ण का दान, अन्न का दान, इन सब से जितने देवता प्रसन्न होते हैं उन सब दान के पुण्यों से भी अधिक बढ़ करके वरूथनी एकादशी के व्रत का पुण्य माना गया है। जिसने जीवन में कभी भी गंगा स्नान नहीं किया है, गंगा सागर स्नान नहीं किया है, तो वरूथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से उसको गंगा सागर स्नान का फल प्राप्त होता है। और यहाँ तक लिखा है कि 1,000 गौदान का फल भी वरूथनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। तो सकाम भक्तों के लिए इतना वर्णन भी शास्त्रों में किया गया है, पर हमारा तो एकादशी का एक ही फल है कि श्री राधा गोविंद की प्रसन्नता, श्री राधा गोविंद के चरण कमल की भक्ति प्राप्त हो। तो वरूथनी एकादशी की महिमा जो पुराणों में कही गई है उसको संक्षेप में कहने का प्रयास किया। तो जो भी इस बार से एकादशी व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, होता क्या है, कहीं भी कथा होती है तो कितने लोग नया एकादशी व्रत प्रारंभ करते हैं, तो फिर पूछते हैं कि कब से प्रारंभ करें, तो हम जो सबसे निकट होती है एकादशी वही बता देते हैं कि इससे प्रारंभ करो, इसकी बहुत महिमा है। तो कभी कभी सबको सुन के लगता है कि शायद महाराज जी ऐसे ही कह दिए कि जल्दी एकादशी व्रत प्रारंभ करो। कोई कहते हैं हम लोग निर्जला से करेंगे, कोई कहते हैं उत्पन्ना एकादशी से करेंगे, कोई कहते हैं देव उठानी से करेंगे। ना भैया, हर एकादशी अपने आप में पूर्ण है। ये तो कृष्ण पक्ष की एकादशी की इतनी महिमा है, तो जो नया व्रत प्रारंभ कर रहे हैं वे करें। 4 मई को एकादशी है, 5 मई को पारण है, सूर्योदय से लगभग 9:25 तक। तो सब लोग खूब प्रेम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें। अगली एकादशी पर फिर एक बार सबको जगाएंगे जो नए वाले भक्त हैं, और सबकी एकादशी व्रत में निष्ठा हो, हरि नाम जप में निष्ठा हो और तुलसी जी में निष्ठा हो, ऐसी सबके लिए मंगल कामना है। सबको प्रणाम करते हैं, प्रेम से कहिए एकादशी महारानी की जय।